स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण लोकसभा चुनाव को लेकर कलवा मुमरा की विधायक जितेंद्र भाट का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जितेंद्र भाट ने कहा है कि देश में नफरत की बात हो रही है इस लोकसभा चुनाव के दौरान, जो देश के लिए ठीक नहीं है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी पर भी विधायक जितेंद्र भाट ने निशाना साधा है। वहीं विधायक जितेंद्र भाट से जब सवाल पूछा गया कि कल्याण लोकसभा से श्रीकांत शिंदे के सामने वैशाली दरेकर को मैदान में उतारा गया है और आप अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि कलवा मुमरा से दरेकर को कितना मत दिला सकते हैं, इस पर जितेंद्र भाट का बयान चौंकाने वाला था। जितेंद्र भाट ने साफ तौर पर कहा कि मैं थोड़ी ही काउंटिंग करते हुए बैठा हूँ, पहले वोटिंग लिस्ट आ जाने दो, परसेंटेज देखने दो, उसके बाद ही पता चलेगा। यानी कि जितेंद्र भाट को खुद अनुमान नहीं है कि वो अपने कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र से वैशाली दरेकर को कितना वोट दिलाने में कामयाब हो सकेंगे, जितेंद्र भाट को इसका भी अनुमान नहीं है। जबकि बात करें श्रीकांत शिंदे की, तो कलवा मुमरा विधानसभा से श्रीकांत शिंदे को करीब 70,000 से 80,000 वोट मिलते हैं। कलवा मुमरा के विधायक का ये चौंकाने वाला बयान आपको सुना दें। गंगा जमनी की जो तहजीब है उसको बढ़ाओ, नफरत का माहौल, नफरत का जहर जो घुला जा रहा है स्टेज पे से, अब तो लोकसभा के चुनाव में दिख रहा है कि जिस तरीके से नफरत की बातें हो रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं। ये देश में ऐसी नफरत नहीं चल सकती। और इसीलिए मैं इसके नाते लोगों को ये भी बोलूँगा कि आपको मालूम है नफरत कौन फैला रहा है? आपको मालूम है बीजेपी क्या कर रही है? आपको मालूम है महाराष्ट्र में बैठी हुई सरकार क्या कर रही है? उसमें कोई मेरे को ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत समझदार है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बहुत समझदार है। यहाँ का दलित समझ रहा है कि कैसा अन्याय हो रहा है, कैसे सब जगह से दलितों को काटा जा रहा है। समझदारी से वोटिंग होगा। इस बार जनता चुनाव हाथ में ले लेगी, इस बार उम्मीदवार के हाथ में चुनाव नहीं रहेगा, जनता हाथ में चुनाव ले लेगी। जो 77 में इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, वैसे ही जनता हाथ में चुनाव लेके भारत में भारी बदलाव दिखाई देगा। ठीक है, अभी लड़ा, आज हम लोग ने गठबंधन की सीटें घोषित की। आज सभी बड़ी नेता मुंबई में थे, हम लोग सब लोग वहाँ पे गठबंधन की सीटें हमने घोषित कर दी। अभी लड़ाई शुरू हो गई है, लड़ाई के पहले ही आगाज़ कर देना कि मैं इतने सीटें ले आऊँगा, ये मेरा काम नहीं है। मेहनत करना मेरा काम है, मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला दे देगा जो है वो। कल्याण लोकसभा की उम्मीदवार को लेकर क्या? ठीक है, दरेकर को उम्मीदवारी दी गई है, कल्याण डोंबिवली से है, सुलझी हुई उम्मीदवार है और बीजेपी का तगड़ा विरोध है श्रीकांत शिंदे को, तो उनके आपसी झगड़े में हमें कुछ लेना देना नहीं। पर हम हमारी ताकत से काम करेंगे, हमारी ज़मीन के ऊपर जो कार्यकर्ता है वो बराबर काम करेंगे और किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये बार लोग किसी के सुनने पे, किसी के बहकाने पे वोटिंग नहीं करेंगे। अगर नेता कहेगा इधर वोट करो तो वो नहीं करेंगे, उनको जो करना है वो ही अंदर जाके करेंगे।
अगर कोई से कोई नेता समझ रहे हैं कि हमारे बोलने पे इशारे पे वोटिंग यहाँ वहाँ घूम जाएंगी तो गफलत में। आपके हलके से दरेकर को कितने वोट मिलने की संभावना है? मैं थोड़ी अभी काउंटिंग करते बैठा हूँ कितने वोट। अरे पहले वोटिंग लिस्ट आने दो, कितना वोट है वो देखने दो, परसेंटेज ऑफ वोट कितना जाएगा वो देखने दो। लेकिन ये बार खास करके मुस्लिम हलकों में एक जागरूकता आई है कि हमें वोटिंग करना चाहिए, परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, तभी हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकेंगे। अगर ये बात लोगों के दिल में बैठी तो फिर चुनाव का रंग बदल जाएगा। अगर मुसलमानों और दलितों का परसेंटेज बढ़ जाता है तो फिर ये देश में अलग रिजल्ट आएगा।